Pakistan Cricket Board or the PCB may lose its bid to host the ICC Champions Trophy in 2025. ICC's hesitation to give PCB the hosting rights has a lot of weight attached to it. बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेजबानी छिनने के करीब है, बड़ा दावा सामने आया है। ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया, ये डिजास्टर होने वाला। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फंड्स की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, अगर इवेंचुअली, मुझे खतरा यही है कि इसका क्या हल, इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखेंगे अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या नहीं, तो उसमें शायद है। मगर जब अभी भी खेल रहे थे, आगे जाके क्या। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जरूरत है और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाफिस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है, क्यों कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी। ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और वो धक्का का बोला जाओ यहाँ से। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें कि हम खेलते ही नहीं। जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाफिस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह एक साल के लिए और सदर बन गए, जो पीसीबी के तहफ़ुज़ात थे ना तो किसी ने सुने ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाए, आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम है। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं उसमें वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है। तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुजाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए, उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन विद इन पीसीबी बहुत ह्यूज एफर्ट की जरूरत है, अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबलज वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब हैं। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी, उसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। आप अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है, क्यों कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना दुनिया के ग्राउंड का, माफी के साथ, अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में, जहाँ पे 8-9 हमने देखे दूसरी जगहों पे,
तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और एक साल में क्या ग्राउंड बना पाएंगे? पिच की बात नहीं कह रहा, जहाँ पे बैठने की जगह पे जो स्टैंड्स हैं, मेरा ख्याल है नहीं, इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, सीधी सी बात। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लाइक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लाइक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 2025 फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, पीछे महीने कितने रह गए हैं, अभी चल रहा है मार्च, 11 महीने के बाद, 11 बिना काउंट करें 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। आप बताएं 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लाइक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें क्या हमारे स्टेडियम इस लाइक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता, वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आ गई है लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंग्लैंड के फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस आएंगे, इंडिया के फैंस आएंगे, सारे के सारे आएंगे, और ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जहां पे आईसीसी इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से टक्कर दे रहे थे पूरे ऑस्ट्रेलिया। इनके स्टेडियम को अगर अपने स्टेडियम से कंपेयर करेंगे, हमारे तो इनके कहते हैं ना, ये वो जो कहते हैं एग्जाम्पल होती है नाखून की मैल भी ना होना, वो वाला हाल है, हमारे स्टेडियम बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं जाते। हमारे इतने बुरे स्टेडियम हैं जो है वो शादी वाली कुर्सियां तो स्टेडियम के अंदर लगी हुई है, शादी वाली कुर्सियां, उन कुर्सियों को सर के ऊपर रख के ना अपने आप को बचा रहे हैं। अभी ये बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक स्टेडियम रेनोवेट हो जाएंगे, पिंडी में कुर्सियां लग जाएंगी, लाहौर के स्टेडियम को 50,000 का कर देंगे, कराची के स्टेडियम को चेंज कर देंगे, क्या ये होगा? और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लायक हैं? अभी कंफर्म नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल अपने आप को तो प्रिपेयर करना है ना, अपने आप को तो रेडी करना है, और हम इसको रेडी नहीं नजर आ रहे। तो पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास होस्ट करनी है, और तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठ देते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं, और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए। अब के ज़माने में क्राउड कैपेसिटी बढ़ गई है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आपको अपने स्टेडियम को अपग्रेड करना। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है आने वाले एक सालों में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, जो कि जिनमें की 8 टीमें होगी, वो पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही बिल्कुल भी श्योर नहीं है, और वो लोग सामने से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा पहले ही डिसाइड हो चुका है कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, वो अपने यहाँ पर खिलाएगा सारी टीमों को, जो भी इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो सारे लोग पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन मीडिया का यही कहना है कि भाई गिन चुन के 4 से 5 स्टेडियम है, और उसमें भी आप जो 8 टीमें आने वाली है उनको कैसे मैनेज करोगे, उनके प्रैक्टिस मैचेस कैसे करवाओगे, और वो फील्डर कहाँ रहेंगे, वो होटल रूम में रहेंगे या स्टेडियम में रहेंगे, उनका कुछ भी फिक्स नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। और बताया जा रहा है कि उनका स्टेडियम जो है वो इतना ख़राब है, उनमें फर्स्ट और सेकंड टीयर है ही नहीं, मतलब उसी वैसे बैठने के लिए, ज़मीन पे बैठने के लिए ओपन ग्राउंड है स्टेडियम के बाहर, वहाँ पे टीयर्स नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, और बताया जा रहा है कि जो शादियों में कुर्सियाँ यूज होती है प्लास्टिक की, जो रेड कलर की होती है, वो बैठकर लोग मैच देखते हैं, और जैसे ही धूप आती है नीचे बैठकर उस कुर्सी को अपने सर पे ढक लेते हैं और उससे आपको अपने आप को बचाते हैं, मतलब ये हाल है उनके स्टेडियम का। तो मतलब मीडिया का यही कहना है कि भाई जो पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो लोग के पास उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो लोग होस्ट करा सके किसी बड़े टूर्नामेंट को, और उनका आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करना मतलब आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही मैचेस फिक्स करने होंगे, वहाँ पे मैचेस टाइम शेड्यूल करने होंगे, लेकिन उनके बस की नहीं है, ऐसा उनका मीडिया का रिएक्शन है। और एक बात तो ये तय है कि 2025 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो वहाँ पर होगा नहीं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी
पाकिस्तान एक होप लगाया बैठा है कि किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे हो जाए और उन बाकी सारे देश के जो लोग हैं वहाँ पे मैचेस देखने के लिए आए, जिससे कि उनका थोड़ा इकोनॉमी बूस्ट हो। लेकिन ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर तो पाकिस्तानी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी को ही कोस रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उसको नरेंद्र मोदी जी होस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्री प्लान करके रखा है सारा बीसीसीआई और आईसीसी का शेड्यूल बना के रखा है। मतलब यहाँ तक कुछ भी बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया जो है वो हमेशा से ही ऐसे फनी रिएक्शंस देते रहता है। ऐसे ही फनी रिएक्शंस इस वीडियो पे आते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे कि वीडियो की रीच जो है वो बनी रहती है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।